वो आ जाए तो फिर हम लोग इसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पे इसको चेकअप वगैरह कराते हैं। इसके साथ क्या मसला है? तो ये डॉक्टर साहब इसको लगा रहे हैं, डॉक्टर इसका इंजेक्शन लग रहा है पूरा। अभी चेक करा, ऐसा लग नहीं रहा कि जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोर की दवाई लेने। देखिए माशाल्लाह मेल तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फीमेल की ऐसी हालत हो गई है दोबारा, इसकी तबीयत सेट होके नहीं दे रही है। मेल भी है थोड़ा थोड़ा सुस्त है, लेकिन इतना नहीं है जितनी कंडीशन फीमेल की ख़राब हुई है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ समी का, समी गए हुआ किसी काम से, वो आ जाए तो फिर हम लोग इसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पर इसको चेकअप वगैरह कराते हैं। इसके साथ क्या मसला है? इतनी देर हो गई मैं समी का इंतजार कर रहा हूँ, समी अभी तक आया नहीं है। तो दूसरी बात आपको ये बतानी थी कि देखें जैसी इस मोर की हालत है ना, अभी देखें कितनी सुस्त हुई है। इसी तरह आपने कल की वीडियो देखी होगी कि हम लोग मैच खेलने गए थे, तो आज हमारी पूरी टीम की ऐसी हालत हुई है, सारे सुस्त हुए हैं। सब दवाइयाँ लेके आए और मतलब हम लोग इतना मैच खेलते नहीं है, ये तो साल में एक दफ़ा हमारा मैच होता है तो उसमें हम लोग सारे जाते हैं और मैच वगैरह खेलते हैं। सारे कज़न वगैरह होते हैं और जो दूसरी टीम होती हैं वो भी सारे हमारे रिलेटिव भी होते हैं, सारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से मैच होता है। तो साल में एक दफ़ा हम लोग वही मैच खेलने जाते हैं, उसके बाद तो कोई मैच खेलते नहीं है। तो कल अचानक मैच खेला सबने और सबकी हालत डाउन हुई भी है। तो ये देखिए लाइटों का हाल क्या हुआ है, तो मैं सोचा सारी लाइट उतार दूँ और ये समी भाई आ चुके हैं। बड़ी देर कर दी थी हजरत आपने आते आते, तो ये पहले मैं इसकी लाइटें हटा देता हूँ। ये अब बेकार ही कर दिया इसने, पूरी लाइटें भी ख़राब कर दी हैं, तो ये हटा देता हूँ वरना ये चबाता रहेगा। ये देखें अभी भी ऊपर ही चढ़ा हुआ, ये लाइट ही चबा रहा था, तो मैंने इसको लाइट को निकाल के पूरा यहाँ लटका दिया। अब ये मैं बाद में इसको सेट कर दूँगा और अभी हम जाते हैं हॉस्पिटल और अपने मोर की दवाई लेके आते हैं। तो मोर को तो हमने ले लिया, ये देखें इसको मोर को मैंने इस जाल में डाल दिया और सभी लाइटें बंद कर रहा है, सारी लाइटें बंद करके हम निकलते हैं हॉस्पिटल और फिर वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर इसका क्या बताते हैं। मेल तो हमारा माशाल्लाह ठीक है, काफ़ी बेहतर है, एकदम ठीक नहीं है लेकिन काफ़ी बेहतर है। फीमेल की हालत बहुत सीरियस है, तो इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और ये मोर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो ये डॉक्टर साहब इसको लगा रहे हैं, डॉक्टर इसका इंजेक्शन लग रहा है ठीक है। तो इसके कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए डॉक्टर साहब ने और वो कह रहे हैं मैं इसको एक मेडिसिन दे रहा हूँ वो देना। जो हम लोग इसको मेडिसिन दे रहे थे तो डॉक्टर साहब ने बोला वो भी देते रहना, वो अच्छी दवाई है। तो अभी इसको दूसरी मेडिसिन भी देंगे और ये वाली जो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं वो भी देंगे। इसको डालते हैं वापस जाल में, समी इसको खोल देख, नाखून फंसा लेगी अपनी, हाँ बस छोड़ दे खुद ही चली आई। तो ये कोई साशे दिया है तो इसको पानी में मिला के देना है। तो अभी हम घर निकलते हैं और मोर को घर जाके वो दवाई जो ली थी वो भी ख़त्म हो गई है, तो वो भी लेनी पड़ेगी। ला मोर मुझे दे दे। तो ये समी बाइक चलाएगा और घर निकलते हैं। वो देखें वो शाहरुख खान बाहर घूम रहा है, जब आ रहा है तो गेट खोलेगा, चाबी मेरे पास है नहीं, खुरम भाई के पास है, ये आ जाए तो गेट खोलता है, फिर आपको मोर दिखाते हैं मोर की कैसी कंडीशन है। तो इसको दवाई तो दिला के लिया है लेकिन अभी अभी इसके इंजेक्शन लगाए, तो इसकी हालत तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में बेहतर हो ही जाएगी और मेल की भी हालत ठीक है। तो ये दवाई है इसको पानी में मिला के देनी है और जो दूसरी जो दवा हम दवाई दे रहे थे इसको, तो वो दवाई भी लेके आते हैं और वो भी इसको दवाई देते हैं और उसके साथ साथ ये दवाई भी देंगे। 2 hours later. हेलो सरद को बोलना जल्दी से वो दवाई लेके आए मोर की, कहाँ इसकी तबीयत बहुत ख़राब है मोर की, 2 मिनट के लिए आ जाए बस। सही जो हमारी मोर फीमेल है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारे अभी दवाई लगे लाए उसको, इंजेक्शन वगैरह भी लगे, जो दवाई बाकी दे गई थी वो मैं लेके आया हूँ, लेकिन अभी देखे मैं आया हूँ तो यहाँ पे खुरम लेके बैठा हुआ था इसको और इसकी इस तरह कंडीशन है बिल्कुल भी इससे उठे नहीं जा रहा, फॉर्म वगैरह लंबे करके लेट गई, अब तो इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और मेल हमारा यहाँ पर सही है, अब फीमेल का क्या कहते हैं देखें। सारा तो अभी आ रहा है, बस मैंने उसको बुलाया जब तक मैं इसकी दवाई वगैरह बनाता हूँ, और जो बाकी दवाई थी वो सरद के पास है तो उसको मैंने फ़ोन कर दिया, वो आ रहा घर से, तो फिर किसी दवाई बनाते हैं। पूरा अभी चेक करा, अब ऐसा लग नहीं रहा कि ये जिंदा है, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, इसकी जुएँ वगैरह भी खुराम ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो देखियो खुराम एक दफ़ा हिला के। नहीं
पाँव वगैरह कुछ भी नहीं हिला रही। जब दवाई लगी लाया था सही हुई थी थोड़ी सी। क्या कर सकते हैं, जैसा लग रहा है बिल्कुल बची नहीं है। जिस तरह इसकी हालत हुई बिल्कुल इसने अपने आपको ढीला छोड़ दिया, और बस इसकी आँखें वगैरह भी अब जो हिल रही थी वो भी हिलना रुक गई हैं। ये तो बड़े अफसोस वाली बात है यार, क्या कर सकते हैं। इसको इतनी दवाई वगैरह लाई, अभी आपने वीडियो में देखा होगा, अभी सादत गया था इंजेक्शन लगवा के लाया था डॉक्टर से, डॉक्टर को दिखाया था, उसने कहा था ये सही हो जाएगी बच जाएगी, लेकिन देखें बिल्कुल भी बस ख़त्म हो गई। अभी आपके सामने मैंने फ़ोन किया था, सादत को बुलाया, सादत आया है, और बस अब जो हमारी मोर फीमेल है वो हमें छोड़ के जा चुकी है, हमें और हमारे सेटअप को बहुत इस पर कोशिश करी। और अभी जब मैं आया हूँ यहाँ तो खुरम भी लेके बैठा हुआ था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी इस पर, लेकिन इसकी ज़िंदगी शायद इतनी थी, इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है, वीडियो भी नहीं बनाई जा रही। एक अजीब सी तबीयत हो गई मेरी भी, और सादत भी अभी आगे बैठा है तो वही इस फीमेल को उठा उठा के देख रहा है कि यार ये अचानक क्या हो गया। बस यार क्या कर सकते हैं, कुछ बोला ही जा रहा। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।